पॉली लाइन में क्या होता है कि ये आपको एक कंटिन्यूस लाइन जो मिल जाते हैं आपको, ऐसे जो कंटिन्यूस लाइन करना है तो ये पॉली लाइन में कर सकते हैं। और इसके बाद हमने जो स्पेस पर दबाएगा ना तो वो बंद हो जाता है। अब दोबारा कोई कुछ और बनाना है तो फिर दोबारा बना सकते हैं। ये बना दिया मैंने, और उसके बाद अभी आपने स्पेस पर दबा दीजिए और रबर बैंड वाला ये निकल जाएगा। अभी आपको इधर 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 वी वांट टू स्टॉप इट हियर ना, इधर ही स्टॉप करना है आपको, तो स्पेस फेस बार है ना, स्पेस पर प्रेस कर दीजिए। तो वो बंद हो जाएगा वो, नहीं तो कंटिन्यूस ऐसे पकड़ में होता है तो वो रुक जाता है, उसको स्पेस पर दबाने से कट हो जाएगा उधर से। अभी जो इसमें है ड्रॉ स्मूथ पॉली लाइन जो कर रहा है, इसलिए स्मूथ लाइन्स आ रहे हैं अभी, ठीक है। अभी आपने इसको अनटिक कर दिया तो हमने जो ड्रॉ कर रहा है पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी इधर से उसको बाहर आने का स्पेस पर कर दिया, बाहर आ गया। फिर दूसरा करना है, अभी हमें करना है, अभी मेरे को नेक्स्ट पॉइंट ऑनवर्ड्स मेरे को स्मूथ करना है तो इस इधर क्लिक करना है इधर से, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑनवर्ड्स इट विल स्मूथ बी, यू नो। अभी इधर ये पॉइंट तक स्मूथ है, इसके बाद आप स्ट्रेट ये लाइन में करना है तो अब नेक्स्ट अनटिक करना है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑनवर्ड्स ये क्लिक करने से ऑनवर्ड्स जो है वो लाइन बन जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, स्मूथ वाला ऑप्शन भी है जो स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन भी है। तो ये स्पेस बार दबाने से आपको ये डिसकंटिन्यू हो जाता है, स्पेस बार दबाने से डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉली लाइन यूज करते हैं, और इसको मैं डिलीट करता हूँ क्लिक कर। दिस इज द सेलेक्शन टूल, जो सेलेक्ट करना है सीधा, जो सेलेक्ट करना है सेलेक्शन टूल बोलते हैं इसको। वो ये सेलेक्ट करके डिलीट करना है, डिलीट बटन दबाना है, डिलीट हो गया। अभी नेक्स्ट वी विल देखता हूँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा, और जो टेक्स्ट आपको टाइप करना है, कोई भी फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट में, कोई भी साइज चाहिए उसमें करने के लिए इधर क्लिक करना है पहले, उसके बाद टाइप करना है। जी अभी मैंने अभी इसी साइज में आ गया, उसको साइज बढ़ाना है तो साइज को चेंज करना है तो इधर जाकर चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें हर एक चीज से इसको जो इधर से कहीं मूव करना है तो इधर ट्रांसफॉर्म है, एक स्केल बड़ा करना है छोटा करना है तो उसके लिए एक टूल है, इसका 50% ये इसका यूज़ नहीं करना है आपने, इसके लिए बाहर से कर सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है आपको, मैं बाद में बोलता हूँ, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। तो आप इसमें जो काम का आएगा आपको ऑन एक कर्व बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि आपने मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ये कर्व को सेलेक्ट करने के बाद इधर सेलेक्ट कर्व बटन दबाना है, तो क्या होता है तो उसके ऊपर आकर बैठ गया, देख लीजिए रैप अलोंग टेक्स्ट बोलते हैं इसको, तो उसको आप टेक्स्ट अदर साइड होना है तो अदर साइड भी कर सकते हैं इसके ऊपर, और उसको आप
कई जगह लगाना है तो उसको क्लिक कर सकते हैं। इसी सेंटर सेंटर में लेना है तो आप उसको इधर क्लिक कर कर स्पेस देना है। इसी हाँ जी हाँ जी स्पेस से स्पेस देना है, स्पेस देने से ऐसे मूव हो जाएगा। नहीं नहीं उधर माउस से किधर अभी इसका बीच में लगाने के बाद जो स्पेस करेगा ना इसी तो किधर जगह चाहिए उधर आप माउस को क्लिक कर कर उसको स्पेस कर दीजिए, स्पेस पर दबा दीजिए तो वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो अभी इधर इधर इस साइड में आना है तो बैक स्पेस वाला करेगा ना तो उसको चाहेंगे ऐसे सेट। हाँ जी अभी अभी बेस में बैठा है अभी अभी आपको उसको इसको दौड़ा नीचे सेंटर एक्सेंट बोलते हैं इसमें बैठाना है या बिलो लाइन बिठाना है या कोई स्पेस के दूसरा स्पेस दे सकते हैं जितना दूर बैठाना है बोलकर तो अभी दस एम ऊपर बैठेगा ऐसी तो ऐसे कोई कंट्रोल है। उसके अलावा अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में क्या होता है कि वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं तो पूरा लेटर वर्टिकल में बैठेगा। और उसमें कोई इसमें और भी ऑप्शन है सेलेक्ट स्ट्रेच टू फिट मतलब वो पूरा स्ट्रेच हो जाता है इसके अंदर तो अलग अलग तरीका से बिठा सकते हैं इसको स्ट्रेचेस ले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो सपोज हम अभी इसका ये इसमें नहीं है मेरे को इसके ऊपर बिठाना है अनदर कर्व इज देयर नो तो उसको क्या करना है इधर कैंसिल करेगा, कैंसिल करने के बाद हम इसको क्लिक करेगा इसको सेलेक्ट करने का है इधर भी क्लिक करने का है तो इधर बैठ गया तो सो दिट्स ये टेक्स्ट कमांड विथ रैप टेक्स्ट अलोंग कर्व दोनों एक ही साथ दिया है। इसमें टेक्स्ट भी बना सकते हैं, टेक्स्ट को एक कर्व के ऊपर रैप कर सकते हैं, इसको रैप बोलते हैं, रैप टेक्स्ट अलोंग कर्व बोलते हैं। ये टेक्स्ट के ऊपर ये कर्व के ऊपर टेक्स्ट को बढ़ाए वही है ये कमांड होता है इसमें। जो भी फॉन्ट में चाहिए वो अलग अलग फॉन्ट निकाल सकते हैं। हाँ वो ये वो करो जो हाँ वो जो भी आप करना चाहते हैं वो आप पहले पॉली लाइन में बना दीजिए ना, जाके जो भी वेक्टर बनाना है वो वेक्टर पहले बना दीजिए उसके बाद बना दीजिए। तो ये भी कुछ यूजफुल कमांड है, आप बाद में देख सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। और अभी मेरे पास ये है, ये सिलेक्शन टूल है बोला मैंने आपको, ये सिलेक्शन टूल बोला ओके। अभी इसको क्लिक करने से सिलेक्शन हो जाता है। अभी इसको भी एलिप्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैंने,
कुछ प्रॉब्लम नहीं। कुछ ने क्रिएट कर दीजिए आप, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड में जाएगा कि अभी इससे ऐसे नहीं जा रहा है ना, तो मैं स्टैंडर्ड में जा पाऊँगा कि आपको टूल पूरा ऊपर मिल जाएगा, लेआउट में जाकर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में तो पूरा टूल इधर मिल जाएगा। तो इधर जो है इसको अभी ने सेलेक्शन, ये तो सेलेक्शन टूल बोला मैंने, ये सेलेक्शन टूल है ओके। हाँ, इसके अलावा जो मैंने इसके सेलेक्ट कर एन दबाएगा, एन हाँ एन दबाएगा तो इट इज इक्वल टू नोड एडिटिंग। जो इधर ये नोड एडिटिंग का टूल जो प्रेस कर रहा है ना, इसका इक्वल है। तो एन प्रेस कर सकते हैं, नहीं इधर आकर क्लिक कर सकते हैं, दोनों से एक कर सकते हैं। तो इसमें जितना जितना छोटा पॉइंट्स जो बन जाता है, इसको नोड बोलते हैं, जो पॉइंट है ना ये नोड बोलते हैं, ये नोड को हमको एडिट कर सकते हैं। क्योंकि ये नोड एडिट कर हम बहुत चीज़ कर सकते हैं। अभी सोच लीजिए, अभी देख लीजिए, मैंने अभी इसको कुछ ये नोड में पकड़ कर ना इसको मैं खींच सकते हैं। देखो वेक शेप बन गया ना, तो आप इधर से कुछ करना है तो कर सकते हैं। देखो ठीक है, अपना जो शेप आपको चाहिए उस शेप को बनाने में आपको आसान होगा कि नोड के साथ। तो अभी हाँ जी। इसके अलावा इसका डायरेक्शन भी, अभी ये नोड है, नोड को हम लेफ्ट राइट मूव कर दिया। इसके अलावा इसका ये डायरेक्शन वेक्टर एक होता है, इसको भी हमको कंट्रोल कर सकते हैं। देख लो, इसको भी हमको कंट्रोल कर उसको शेप को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को इस पॉइंट में करना है तो क्या करना है, माउस को इसके ऊपर लेकर आने के बाद प्रेस आई दबा दीजिए अपने, लेटर आई। हाँ नहीं 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 सिर्फ आई। अभी देख लो, एक पॉइंट बैठ गया उधर, एक नोड आ गया। अभी इस नोड को आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, इस नोड को यूज़ कर आपको शेप को अलग कर सकते हैं। हाँ तो आई उसके उधर उधर कहीं भी वेक्टर के ऊपर लगाकर आई प्रेस कर दीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ नोड एडिटिंग में पहले आना है, उसके बाद नॉर्मल में नहीं आएगा। जब नोड एडिटिंग में एन दब, पहले वेक्टर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद एन दबाना है, उसके बाद ये कमांड काम हो जाएगा, शॉर्टकट आई दबान। आई दबा दे। हाँ नोड, नया नोड बनाने के लिए आई लगाना है। ठीक, तो ओके, अभी जितना भी ये नोड है ना, ये नोड का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है ना। तो ये ब्लू कलर का जो नोड होता है, इसमें नोड को आपको पहुँचाने के लिए मैं बोलता हूँ, जो ये
ब्लू कलर का होता है वो स्मूथ स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ पॉइंट बोलते हैं इसको, ब्लू कलर में जो पॉइंट है वो स्मूथ पॉइंट बोलते हैं, स्मूथ। ये ग्रीन वाला पॉइंट जो होता है ये स्टार्ट पॉइंट होता है। अभी ये वेक्टर है, इसका स्टार्ट पॉइंट, हर वेक्टर के लिए एक स्टार्ट पॉइंट होता है, इसको स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। ये ग्रीन कलर वाला स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट किधर यूज़ हो जाएगा मैं बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन हर वेक्टर के लिए एक स्टार्ट पॉइंट होता है, वो ग्रीन कलर में दिखाएगा। उसके अलावा ये इसको मैंने ब्लू कलर वाला है ना, इसको नॉर्मल पॉइंट जो बना सकते हैं, अभी स्मूथ पॉइंट है ना, इसको नॉर्मल पॉइंट जो बनाना है तो उसको और नोड के ऊपर कर्सर को रखकर आपने यस दबाना है, यस यहाँ। तो अभी इसका कलर चेंज हो गया ब्लैक, नहीं तो रेड कलर का ब्लैक होगा ना, तो चेंज रेड रेड कलर का ब्लैक हो गया। तो इसको इसमें क्या है कि आपको इसको बहुत ही शार्प मिल जा, अभी ब्लैक नहीं हुआ है, देखता हूँ, यस दबाया, अभी ब्लैक हो गया, देखो है। अभी इसमें क्या है कि आपको ये बहुत शार्प बना सकते हैं, अभी देख लो ये स्मूथ पॉइंट हो गया तो ऐसे नहीं रखेगा, वो शार्प नहीं रख सकते उसको, कभी भी ये थोड़ा रेडियस के साथ ही रहेगा। जब नॉर्मल सा पॉइंट जो बनेगा तब आपको इसको शार्प बन सकते हैं, ये शार्प वाला है। हाँ, क्लिक करना नहीं, ब्लू पॉइंट के ऊपर कर्सर को रख कर यस प्रेस करना है, ठीक है। अभी इधर देख लीजिए, इधर कर दीजिए आपने, अभी कर्सर को ऊपर रख दीजिए, उसके ऊपर रखने के बाद यस दबा दीजिए, हाँ ब्लैक हो गया। तो अभी वो इसको हम ये डायरेक्शन ये बोलते हैं, इसको क्लिक करने से अभी देखो रेडियस नहीं है इसमें, अपना इधर एक शार्प कट वाला शार्प हो गया, उधर जो पॉइंट है ना जो शार्प हो जाएगा, उधर तो स्मूथनेस नहीं होगा। अभी इधर कहीं ये ब्लू वाला में कहीं भी कर दिया तो इधर एक रेडियस, हर एक टाइम एक रेडियस में रहेगा उसको। अभी इधर देख लो, इसको इससे ऐसे घुमाया है फिर भी वो रेडियस बना कर रखा है इधर से है? तो वही है, अभी नॉर्मल पॉइंट होता है, एक स्मूथ पॉइंट हो गया और एक स्टार्ट पॉइंट का भी, ये तीनों ब्लैक कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, ये तीन हो गया, एक स्मूथ पॉइंट हो गया, एक नॉर्मल पॉइंट हो गया, एक इसके अलावा अभी आपको इस लाइन के ऊपर हम कर्सर को रखकर अभी आई प्रेस कर दिया तो पॉइंट इंसर्ट हो जाता है, वो भी बता दिया मैं आपको। उसके अलावा अभी सोच लो, अभी मैं इधर रख दिया, इधर अब मैंने सी दबा दिया, सी 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 कट कट सी कट सी हाँ, तो क्या होता है कि इधर कट हो जाता है। तो अभी इसको खींच कर देख लो, इस पॉइंट को खींच कर देख लो अपने, ऐसे होगा क्योंकि कट हो गया। सी कर दिया तो कट हो जाता है ऑटोमेटिक। ओके, अभी दोबारा एक और बार इस साइड में कट कर दिया, इधर भी लगा कर सी कट कर दिया तो ये अलग हो जाएगा, देख लो एक कट पीस अलग हो गया, ये अलग हो गया, इससे निकल गया अभी देख लो। सो इसको दोबारा डिलीट कर सकते हैं, आप चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट प्रेस करने से वो डिलीट हो जाता है। तो मैंने वो डिलीट करने के लिए और अभी कंट्रोल इसे कर दिया, तो कंट्रोल इस कर दिया, कंट्रोल इसे अंडू बोलते हैं ना, अंडू कर दिया मैंने अभी है? अभी पूरा कंट्रोल इसे अंडू कर दिया, अभी दोबारा सभी पहले के माफी हो गया, दो तीन बार अंडू कर दिया तो पहले बार जैसा था ऐसे आ गया, कट नहीं किया। सो अभी कंट्रोल सेट कर दिया, वापस आ जाएगा, कंट्रोल सेट कर दिया। अभी मैंने अभी
इधर से एक पीस को कट करने के लिए हमने इधर भी कट कर दिया, इधर भी कट कर दिया और उसको डिलीट कर निकाला था, ऐसा है ना? दो पॉइंट बना दिया था, दो कट कर दिया था और उसके अभी जो कट करने के लिए हमने क्या कर दीजिए, एक एक साइड में कट कर दिया, दूसरा साइड में भी कट कर दिया और उसको डिलीट कर दिया। अभी वो कट करने का ये भी जरूरत नहीं है, उसको निकालने का है कि तो क्या करना है, अभी मैं अभी देख लो, अभी आई इंसर्ट पॉइंट करना है और दूसरा इधर भी इंसर्ट पॉइंट करना है और क्या करना है कि अभी दो पॉइंट हो गया इधर, ओके। अभी इसके बीच में कर्सर को रखकर आर आर दबाने से वो रिमूव हो जाएगा उधर से, वो दो दो पॉइंट के बीच में जो स्पैन है वो लेंथ है उसको रिमूव हो जाएगा।